पेज नंबर ट्वेंटी वन यूनिट फोर लेसन टू वर्ड्स एक्सरसाइज वन मैनी वर्ड्स हैव कम इन टू इंग्लिश फ्राम अदर लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग उर्दू मोस्ट ऑफ दिज आर वर्ड्स दैट यू ऑलरेडी नो मैच द वर्ड्स टू देयर मीनिंग्स इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत से वर्ड्स डिफरेंट लैंगवेज से आए हैं उर्दू समेत हम यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं इनको हमने इनके मीनिंग्स के साथ मैच करना है लाइन ड्रॉ करके लाइक दिस बंगलो अ हाउस ऑन वन लेवल नंबर टू चटनी अ स्पाइसी सॉस मेड फ्रॉम फ्रूट और वेजिटेबल्स ये चटनी का मीनिंग है आप चटनी को इस लाइन के साथ मैच करेंगे लाइन ड्रा करके और उसके सामने नंबर टू लिखेंगे नंबर थ्री शैम्पू अ लिक्विड दैट यू यूज़ टू वॉश योर हेयर एक लिक्विड जो कि आप अपने बालों को धोने के लिए यूज़ करते हैं अ वर्ब ये एक वर्ब भी है नंबर फोर जंगल अथिक फॉरेस्ट इन अ हॉट वेट कंट्री नंबर फाइव खाकी अ ग्रीन ब्राउन और येलो ब्राउन कलर नंबर सिक्स पंच अ ड्रिंक मेड फ्राम फाइव डिफरेंट फ्रूट जूसेस एक ड्रिंक जो कि पाँच मुख्तफ फ्रूट्स के, के जूसेस से बनाई जाती है नंबर सेवन वरान्डा अ प्लेटफॉर्म एट द साइड ऑफ अ हाउस विद रूफ एंड फ्लोर बट नो वॉल्स एक हाउस के साइड पर एक ऐसी जगह जिसका छत होता है फर्श होता है लेकिन उसकी दीवार नहीं होती नंबर एट पायजाम लूज जैकेट एंड ट्राउजर्स दैट यू वियर इन बेड आप पायजामास को इस लाइन के साथ मैच करेंगे ये इसका मीनिंग है लूज जैकेट एंड ट्राउजर्स दैट यू वियर इन बेड एक्सरसाइज टू कम्प्लीट द टेक्स्ट विद वर्ड्स फ्राम एक्सरसाइज वन वन इवनिंग रूड यार्ड कीपलिंग वा स्टेन इन द जंगल एक शाम रूड यार्ड कीपलिंग जंगल में रुका हुआ था लुक हेयर इन दिस पिक्चर दिस मैन इज़ रूड यार्ड कीपलिंग He was sitting at a table on the veranda. यहाँ पर देखें वी लिखा हुआ है इसको हम वर्ड को कंप्लीट करेंगे ई आर ए एन डी ए एच वरान्डा आप यहाँ पर ई आर ए एन डी ए एच लिखेंगे ही वाज सिटिंग एट अ टेबल ऑन द वांडा वो विरांडे में एक टेबल के साथ बैठा हुआ था आउटसाइड हिज बंगलो अपने बंगलो के बाहर बी यू एन जी ए एल ओ डब्ल्यू यू एन जी ए एल ओ डब्ल्यू लिखेंगे आप अपने बंगले के बाहर ईटिंग अ डिश ऑफ लैम करी एंड मैंगो चटनी लैम करी बकरे की करी और मैंगो की चटनी की डिश खा रहा था सी एच यू टी एन ई वाई आप यहाँ पर एच यू टी एन ई वाई लिखेंगे एंड ड्रिंकिंग अ ग्लास ऑफ पंच यू एन सी एच ये पूरा वर्ड बन जाएगा पंच और पंच का एक गिलास पी रहा था ही was wearing ओल्ड खाकी trousers, सैंडल्स एंड अ शर्ट एच ए के आई लिखेंगे तो पूरा वर्ड बन जाएगा हॉकी ही वॉज़ वीरिंग ओल्ड हॉकी ट्राउजर्स सैंडल्स एंड अ शर्ट उसने एक पुराना हॉकी ट्राउजर्स सैंडल्स और शर्ट पहनी हुई थी नंबर थ्री कॉपी एंड कंप्लीट सायरास लेटर टू सान्रा हेलो इट्स इवनिंग एंड आई एम सिटिंग ऑन द विरांडा। ई आर ए N डी ए एच लिखेंगे ये पूरा वर्ड हो जाएगा विरांडा इस इवनिंग ये शाम है एंड आई एम सिटिंग ऑन द विरान्डा और मैं विरांडे में बैठी हुई हूँ वेयरिंग माई पायजाम वाई जे एम एस लिखेंगे ये पूरा वाट हो जाएगा पायजामास अपना अपने पायजामास को पहने हुए मैं विरांडे में बैठी हुई हूँ एंड ड्रिंकिंग अ ग्लास ऑफ पंच और एक पंच का गिलास पी रही हूँ देर इज़ नो बार्डी आउटसाइड बाहर कोई भी नहीं है माई सिस्टर हैज़ गोन टू शैम्पू हर हेयर एच एम पी डबल ओ लिखेंगे पूरा वर्ड हो जाएगा शैम्पू माई सिस्टर हैज़ गोन टू शैम्पू हर हेयर मेरी बहन अपने बालों को शैम्पू करने गई है माई ग्रैंड पेरेंट्स बंगलो इज़ ऑन द एच ऑफ़ आ जंगल यू एन जी एल ओ डब्ल्यू बंगलो माई ग्रैंड पेरेंट्स बंगलो इज़ ऑन द एच आफ आ जंगल यू एन जी एल ई लिखेंगे तो पूरा वर्ड हो जाएगा जंगल मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का बंगलो जंगल के किनारे पर है सो लॉट्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स वॉक राउंड द हाउस एट नाइट इसलिए बहुत से जंगली जानवर रात को घर के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं एक्सरसाइज फोर टूरल नाउंस एंडिंग इन ओ एस एंड ओ ई एस चेक द मीनिंग्स इन द डिक्शनरी ऑन पेजेस वन सिक्सटीन टू वन नाइनटीन राइट द टूरल ऑन द करेक्ट लाइन इन योर एक्सरसाइज बुक यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं इस बॉक्स में बख्लोस ईकोस हीरोज मैंगोस पोटोस पियानोस पोटैटोस रेडियोस टोमैटोस वॉल आप इनके मीनिंग्स कुछ चेक करेंगे इनको हमने टू कैटेगरीज में डिवाइड करना है ऐसे टूर जो कि ओ एस पे एंड हो रहे हैं उनको हम यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट कैटेगरी में और जो ओ ई एस पे एंड हो रहे हैं उनको हम नंबर टू ग्रुप में लिखेंगे एग्जाम्पल जो ओ एस पे हो रहे हैं फोटोज रेडियोज पियानोस सेकंड कैटेगरी देखें जो ओ ई एस पे एंड हो रहे हैं एग्जांपल है बफलोस ईकोज हरोज मैंगोस पोटैटो टोमेटोस वोल्केनोस